HTML फॉर्मेटिंग में जो फॉर्मेटिंग हम लोग जो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होगा जो हम लोग MS वर्ड वगैरह में यूज करते थे, ठीक है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती है। मतलब हम लोग टेक्स्ट को कितना अच्छा सुंदर हम लोग बना सके, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, इटैलिक में होना चाहिए, ठीक है, या फिर सुपर स्क्रिप्ट में है, सब स्क्रिप्ट में है, स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग HTML में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HTML फॉर्मेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील, ठीक है, हम लोग किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करना मतलब उसके स्टाइल को चेंज करना, ठीक है, हो सकता है कि हम उसमें अप्लाई करें बोल्ड, हो सकता है उसमें अप्लाई करें इटैलिक, हो सकता है उसमें अप्लाई करें हम लोग अंडरलाइन, कोई ऐसा टेक्स्ट होगा जिसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में रखना चाहते हैं, कोई ऐसे टेक्स्ट होंगे जिसको हम लोग सब स्क्रिप्ट में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एक स्टाइलिंग होती है किसी भी टेक्स्ट के लिए, तो हम लोग यहाँ HTML में भी अप्लाई कर सकते हैं। HTML provides us ability to format text without using CSS. ठीक है, HTML जो होता है वो हम लोग को कुछ फैसिलिटीज देता है फॉर्मेट करने का टेक्स्ट को विदाउट CSS. ठीक है, CSS एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अगर हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी फॉर्मेटिंग या फिर कुछ एनिमेशंस या तो कुछ लुक एंड फील बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, तो हम लोग CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अभी इसकी जानने की जरूरत नहीं है। देयर आर मैनी फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML. दीज टैग्स आर यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन। दीज आर ऑलमोस्ट 14 ऑप्शन अवेलेबल दैट हाउ टेक्स्ट अपियर इन HTML एंड XHTML. ठीक है, हमारे पास 14 ऑप्शन ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग टैग्स है उसको यहाँ दो टाइप में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे फिजिकल टैग। दीज टैग्स आर यूज टू प्रोवाइड द विजुअल अपियरेंस टू द टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल टेक्स्ट हो, फिजिकल टैग जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या करेगा, विजुअल अपियरेंस पे फोकस करेगा किसी भी टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट आता है लॉजिकल टैग। दीज टैग आर यूज टू एड सम लॉजिकल और सिमेंटिक वैल्यू टू द टेक्स्ट। लॉजिकल टैग में क्या होगा कि हम लोग उसमें कुछ लॉजिकल वैल्यू या फिर सिमेंटिक वैल्यू हम लोग टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे, जैसे कि फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या होता है, ठीक है, साइज हम लोग 14 रख सकते हैं, ठीक है, उसकी साइज हम लोग 14 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, जो भी साइज हम लोग को रखना है वो हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लॉजिकल टैग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है बी। ठीक है, दिस टैग इज अ फिजिकल टैग विच इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट रिटन बिटवीन इट। ठीक है, जो भी इस बी टैग के बीच में हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड होगा मतलब थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल टैग विच टेल्स द ब्राउजर दैट द टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वो भी बिहेव करेगा बोल्ड टाइप से। ठीक है, लेकिन ब्राउजर को ये बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग हमने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब वो टेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो टेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है आई। आई मतलब इटैलिक। ठीक है, दिस इज फिजिकल टैग विच इज यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। ठीक है, अगर हम लोग को किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का टेढ़ा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखा हूँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इटैलिक कर दिया उसको,
इसको नॉर्मल करेंगे तो सीधा सीधा दिखेगा, ठीक है। तो इटैलिक अगर हम लोग को करना है अपने एचटीएमएल में, तो हम लोग टैग यूज करते हैं आई, आई के बीच में जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो सारे इटैलिक में हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ई एम एक टैग यूज करते हैं, ये एक लॉजिकल टैग है, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही जैसा इटैलिक यूज होता है सेम वैसे ही ये यूज होता है, लेकिन ये लॉजिकल टैग। दिस इज ए लॉजिकल टैग विच इज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट इन इटैलिक, ठीक है। जो कंटेंट है वो इटैलिक में डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मार्क, ठीक है। मार्क दिस टैग इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट, ठीक है। अगर हम लोग को कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन अगर हम लोग करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं यू, ठीक है। दिस टैग इज यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट रिटन बिटवीन इट, ठीक है। हम लोग यू टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे सबके नीचे एक अंडरलाइन बन जाएगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टी टी। दिस टैग इज यूज टू अपियर टेक्स्ट इन टेली टाइप, ठीक है। टेली टाइप मतलब एक फॉन्ट होता है जनरली, ठीक है। मतलब एक बहुत पुराना फॉन्ट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आज के जमाने के ब्राउजर पे ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। टेली टाइप मतलब एक टेलीफोन टाइप का मतलब एक फॉन्ट हुआ करता था। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता टेली टाइप क्या होता है, लेकिन एक फॉन्ट का टाइप है वो, ठीक है। बहुत पुराना फॉन्ट हुआ करता था जो जैसे कि टाइपराइटर में यूज होता है, उससे भी थोड़ा अलग टाइप का रहता है वो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्ट्राइक, ठीक है। दिस टैग इज यूज टू ड्रॉ ए स्ट्राइक थ्रू ऑन ए सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट में हम लोग एक लाइन लाना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू मतलब होगा कुछ इस प्रकार का, जैसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू मतलब एक लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्राइक थ्रू होता है। तो स्ट्राइक थ्रू हम लोग एचटीएमएल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है, लाइक जो न्यू ब्राउजर है उसमें सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट SUP, इट डिस्प्लेस द कंटेंट स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो जो भी हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं X3, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा X3, ठीक है। थ्री को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इस प्रकार का एक टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं अपने HTML में, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग ने इस थ्री को लिखा, ठीक है। तो थ्री को हम लोग किसमें डाल देंगे, सुपर टैग के बीच में लिख देंगे, तो वो ऊपर चले जाएगा। फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट, ठीक है, इस प्रकार से इट डिस्प्लेस द कंटेंट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन, ठीक है। जो भी नॉर्मल लाइन होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है उसको मुझे नीचे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में आ गया, ठीक है। तो 2 को मैंने इस सब के अंदर में लिखा, मतलब सबस्क्रिप्ट टैब के अंदर में मैंने लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिलीट, ठीक है। दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले द डिलीटेड कंटेंट, ठीक है। कुछ कंटेंट हो सकते हैं हम लोग ने डिलीट किए हुए, ठीक है। तो डिलीट करना मतलब उसमें एक क्रॉस टाइप का मार्क आ जाता है, ये डिपेंड करता है वेब ब्राउजर पे। जो भी हम लोग यहाँ वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं उस पे हम लोग को देखने मिलेगा कि अलग अलग वेब ब्राउजर पे अलग अलग टाइप का काम करते हैं, जो कि हम लोग अभी करके देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंसर्ट, ठीक है। दिस टैग डिस्प्लेज कंटेंट विच इज एडेड, ठीक है। मतलब एक कोई नया कंटेंट अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वहां पे वो इंसर्टेड ऐसा कुछ दिखाया गया, क्रॉस मतलब नीचे एरो टाइप का बन जाता है, वैसे टाइप का दिखाएगा वो, ठीक है। फिर आता है बिग। दिस टैग इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 कॉन्वेंशनल यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग बिग टैग अप्लाई करते हैं, जो पेज का नॉर्मल फॉन्ट होगा, मतलब जो भी वेब पेज हम लोग अगर बना रहे हैं उसका अगर नॉर्मल फॉन्ट जो भी होगा,
ठीक है, तो उससे वो एक यूनिट बढ़ा देगा, ठीक है। फिर उसका स्मॉल आता है, दिस टैग इज यूज टू डिक्रीज द फॉन्ट बाय 1 यूनिट साइज फ्रॉम बेस फॉन्ट साइज। जो भी बेस फॉन्ट साइज अगर हम लोग यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट 12 होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग स्मॉल यूज करते हैं तो 12 से -1 कर देगा वो 11, ठीक है, या फिर 1 यूनिट जितना भी होगा उतना कम कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे टैग्स अवेलेबल होते, तो हम लोग को इतने ज्यादा टैग यूज नहीं करने। जनरली हम लोग बोल्ड यूज करते हैं, इटैलिक यूज करते हैं, अंडरलाइन यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इतने ही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, और मार्क, बस इतने ही हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर मैं कोई भी एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ साई कॉलेज, ठीक है, मैंने साई कॉलेज करके एक टेक्स्ट लिख लिया, नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। फिर उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो वेब ब्राउजर पे मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा हम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बोल्ड अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टैग लगाऊंगा बी, ठीक है, और बी को मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं फाइल में जाऊंगा, सेव करूंगा। जब जब हम लोग इस कोड में चेंज करेंगे, हर बार सेव करेंगे, तभी इस वेब ब्राउजर पे इफेक्ट दिखेगा, और हर बार यहाँ पे आकर रीलोड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो अब बोल्ड में हो चुका है, ठीक है। ये किस में आ गया, अब बोल्ड में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं बी हटा देता हूँ, टैग हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में हो दिखेगा, मतलब एकदम सिंपल सा दिखेगा, ठीक है, ज्यादा बोल्ड नहीं है। अगर मैं इसमें बोल्ड अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, एक और टेक्स्ट लिखा, साइन कॉलेज इटैलिक, ऐसा मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है, और मुझे इसको इटैलिक करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आई, ठीक है, और यहाँ आई को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, आई को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ आके मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग साई कॉलेज इटैलिक जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट में, लेकिन इटैलिक में, इटैलिक में तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हम लोग को दिख रहा है, स्टाइल इसका चेंज हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ, एक और लिखता हूँ यहाँ पे, साइन कॉलेज अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा यू, ठीक है, यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो यू मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इस पे आ जाएगी अंडरलाइन, ठीक है। और मैं यहाँ क्या रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है साई कॉलेज अंडरलाइन, अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे में एक लाइन आ गई है, जिस प्रकार से हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, देन उसके बाद हम लोग यूज करेंगे मार्क, ठीक है, मार्क यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साई कॉलेज मार्क, ठीक है, और मार्क को मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हम लोग टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी को भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सुपर स्क्रिप्ट यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ एच,
या फिर मान के चलो मैं एक्स लिखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट मैंने लिखा एक्स, ठीक है, और उसके बाद मुझे एक्स के पावर में 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर SUP, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा 2, फिर उसके बाद SUP को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है एक्स, और यहाँ पे लिखा है 2, जो कि एक्स के ऊपर में शो होगा, यहाँ पे देख लें, यहाँ देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से ऊपर में शो होता है, ठीक है। वैसे ही सबस्क्रिप्ट भी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, जैसे मान लो H2O लिखना है मुझे, H2O, ठीक है, H2O में लिखना है, ठीक है, 2 जनरली नीचे में रहता है, ठीक है, तो 2 को हम लोग किस में डाल देंगे, सबस्क्रिप्ट में डाल देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे SUB, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग SUB को क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है, जो 2 जो है वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं H2O जो है वो नीचे में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, ठीक है, जो आजकल के वेब ब्राउजर पे बहुत सक्सेसफुली रन हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो पुराने टैग है, जैसे स्ट्राइक है, स्ट्राइक जो है अभी के वेब ब्राउजर पे जो अपडेटेड वाला है उस पे रन नहीं करेगा, ठीक है, पुराने वाले वेब ब्राउजर, क्योंकि वो HTML4 का कंटेंट है, मतलब तो जो टैग यूज होता था HTML4 में यूज होता था। अभी के जो वेब ब्राउजर सपोर्टेड होते हैं HTML5 सपोर्टेड होते हैं, क्योंकि वर्जन अपडेट होते जा रहे हैं, तो HTML5 सपोर्टेड, HTML6 सपोर्टेड, HTML7 सपोर्टेड वेब ब्राउजर्स अपडेट हो गए हैं, ठीक है। तो इतने मेन यहाँ पे है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोग चाहे तो एक साथ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साई कॉलेज ऑल, ठीक है, ऐसा मैंने एक कंटेंट लिख दिया, ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बोल्ड, ठीक है, इसको कर देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो कंटेंट है वो बोल्ड में, ठीक है, ये साई कॉलेज ऑल जो है वो बोल्ड में आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको इटैलिक करना, तो मैं इसमें क्या अप्लाई कर दूंगा, इटैलिक अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे इटैलिक क्लोज, ठीक है, मैंने 2 टैग एक साथ अप्लाई कर दिया सिंगल टेक्स्ट में, ठीक है, तो ये बोल्ड के साथ में क्या हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा। अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मुझे मार्क करना है तो मैं मार्क भी कर सकता हूँ, मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ लास्ट में आके हम लोग क्या करेंगे, मार्क को क्लोज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मार्क भी हो गया, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग यहाँ पे एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम लोग कैसे भी कहीं पे भी टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ऑर्डर इसका सेम रहना चाहिए, ठीक है, जैसे बी यहाँ पे है, सबसे पहले बी अप्लाई हुआ है, बी के बाद आई अप्लाई हुआ है, आई के बाद यू अप्लाई हुआ है, ठीक है, मतलब जो क्लोजिंग है वो उसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे बस यहाँ पे, बाकी हम लोग कैसे भी इस सारे टैग्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक टैग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बी आर टैग, ठीक है, बी आर मतलब होता है ब्रेक लाइन, तो यहाँ पे हम लोग बी आर टैग यूज करेंगे, और हम लोग उसके बाद इस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है सब एक साथ आ जा रहा है, ठीक है। अब मैंने साई कॉलेज जो फर्स्ट वाला यहाँ पे है, ये वाला टैग, इसके बाद से मैंने इस लाइन को तोड़ दिया है, मतलब ब्रेक कर दिया है, मैंने बी आर टैग यहाँ पे लगाया, तो इसके बाद जो कंटेंट
मतलब जो कंटेंट है वो नीचे में आ जाएगा। तो हर लाइन के बाद में एक ब्रेक डाल देता हूं। ठीक है, इसके बाद भी मैं यहां पे लगा देता हूँ ब्रेक, इसके बाद भी मैं लगा देता हूँ ब्रेक, इसके बाद भी मैं लगा देता हूँ ब्रेक, यहाँ भी लगा देते हैं ब्रेक। तो हर लाइन के बाद मैंने लगा दिया ब्रेक। ठीक है, तो मुझे अलग अलग यहाँ पे मिलेगा, सारा चीज अलग अलग लाइन में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये था फॉर्मेटिंग टैग।